नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है धाकर न्यूज के इस नए एपिसोड में। आप देख रहे हैं धाकर न्यूज, विश्व का सर्वश्रेष्ठ न्यूज नेटवर्क। हमारा आज का मुद्दा है वैक्सीनेशन। जी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि वैक्सीन जो है कि आप ऑफिशियल सोर्स से ही लगाएं, पांडू वांडू के चक्कर में वैक्सीन लगाने पर क्या होता है आप ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अभी जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है, इसमें कई लोगों को डाउट है कि जो वैक्सीन है लेने के बाद क्या होगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप ऑफिशियल जो है सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर, वहाँ पे जाके वैक्सीन ले सकते हैं। और इस बीच कई लोगों में भ्रांतियाँ भी हैं, कई लोगों को ये लगता है कि वैक्सीन लेने के बाद क्या होगा, बीमार हो जाएंगे। तो कई लोगों में जो भ्रांतियाँ हैं वैक्सीन को, उसको हम लोग दूर करेंगे। इस बीच आइए कुछ लोगों से हम लोग बात करते हैं वैक्सीनेशन के लिए। तो आइए मेरे साथ यहाँ पे कुछ लोगों से हम बातें करते हैं और उस बीच उनकी राय जानेंगे वैक्सीन के बारे में। तो ये हिंदुस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि सब लोग वैक्सीनेटेड हो जाएं। तो आइए देखिए, यहाँ पे एक कुछ लोग हैं, इनसे बातें करते हैं। हेलो सर, अभी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है, सरकार कह रही है सबको कि वैक्सीन लगाइए। आपने लगा लिया? हाँ जी, मैंने लगा लिया। जी जी, बहुत बहुत बढ़िया काम किया है आपने। लेकिन अभी हम जानते हैं कि कई, आपने भी सुना होगा, सरकार विज्ञापन दे रही है, लोगों को जागरूक कर रही है, फिर भी कई लोगों को ये डाउट है। वो कहते हैं कि जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है काम नहीं करता, वैक्सीन लेने से कई तरह की दिक्कतें आ जाएंगी। लोग डर रहे हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप? ये डरने की कोई बात नहीं है, इससे ये सब अफवाह है। ये से कुछ बीमारी वीमारी नहीं, कुछ नहीं होती, फीवर वगैरह कुछ नहीं आता है, ये सब अफवाह है। बहुत डरने की बात, क्या डरने की बात, बहुत लगती है। मैं बगल के एक मर गया, उसको जिम्मेवार आप लेंगे या सरकार लेंगे? देखिए बहुत बढ़िया, मारो तरसुन मारो, बहुत बढ़िया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे युद्ध इनका छिड़ चुका है, और ऐसे छोटे मोटे युद्धों की आवश्यकता है हमारे हिंदुस्तान में। तो युद्ध चलता रहेगा, लग रहा है कि वैक्सीन वाले ही जीतेंगे इसमें। तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि वैक्सीन जरूर लगाइए और देखते रहिए धाकड़ न्यूज, धर्मेंद्र धाकड़ के साथ। जैसा कि देख सकते हैं, गर्मी हो या बरसात, देखते रहिए धाकड़ न्यूज, अब धर्मेंद्र धाकड़ के साथ, विश्व का सर्वश्रेष्ठ न्यूज नेटवर्क। तो अभी सरकार ने थोड़ी सी ढील दी है लॉकडाउन में, इसी बीच हम आए हैं सड़क पे ताकि देख सकते हैं कि लोग ढील में भी लॉकडाउन में नियमों का पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे। आइए मेरे साथ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कुछ लोग जो है गोलगप्पा खा रहे हैं, तो आइए उनसे थोड़ी सी हम बातें करते हैं, जान सके कि ये क्या कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सरकार ने थोड़ी सी ढील दी है नियमों में, फिर भी आप मान नहीं रहे, इतनी बारिश में भी गोलगप्पा खाने आ जा रहे हैं, तो इस पर क्या विचार है? एक्चुअली भैया, हमारी मर्जी, हमारे पैसे हैं तो हमारी मर्जी, हम खाएंगे पानी पूरी। अरे तो जैसे ढील दिया तो मानना ना चाहिए था, थोड़ा दिन मान जाती तो क्या हो जाता? भैया एक्चुअली वो बात ऐसा है ना कि हमारी मर्जी है और हमारे पैसे, और ये सब क्या है, लाइक कैमरा, प्लीज आप उधर जाइए। देखिए बारिश में भी मतलब पानी में भी आ जा रहे हैं पानी पूरी खाने। रुकिए, इनको खिलाते हैं हम लोग पानी पूरी। कैसे है जी? 10 रुपये प्लेट है। और प्लेट नहीं, पूरा का बताओ, पूरा कैसे है? पूरा 500 का है। 500 का है जी। इधर आइए मेरे साथ, आइए इन लोग को हम लोग खिलाते हैं पानी पूरी। धरो जी माइक, धरो तो तुम। खाइए आप लोग पानी पूरी। अब तो देखते रहिए धाकड़ न्यूज आप, हम लोग यहाँ पे ले लिए हैं सारा पानी पूरी। अब देखिए उन लोग कैसे खाते हैं पानी पूरी, चलिए हमारे साथ। काम करेंगे जी, इतना का आगे आओ है टेम्पू, उससे भी लेना है। चलो हम लोग किसी भी तरह से करके नियमों का पालन करवाएंगे, चाहे गोल गप्पा उठाना पड़े या उठाना पड़े चाट, ये मारनी पड़े लात। आप देखते रहिए धाकड़ न्यूज, धर्मेंद्र धाकड़ के साथ, बने रहिए हमारे साथ। लो जी तुम भी खाओ, साला ठीक नहीं लग रहा जी, पानी चोखो ले लेते तो मजा आ जाता भाई।